चाहूंगा कि खाली एक मेथड है। एक्सरसाइज सिलेक्शन डिपेंड करता है लोगों के ऊपर भी कि वो जो चाहे एक्सरसाइज उसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छा। रिप्लेस कर सकते हैं। असल चीज है जो टाइमिंग है ना कि 20 सेकंड ऑन 10 सेकंड ऑफ 8 टाइम्स, इसको फॉलो करना है बस। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया टबाटा जो है वो शॉर्ट एक्सरसाइज होती है और इंटेंस होती है ये, उसके लिए वार्म अप करना बड़ा जरूरी है। तो वार्म अप में हल्का सा बिल्कुल दिखा रहा हूँ, आप लोग को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट चीज ये कि आपने अप डाउन करना है सिंपल, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। नेक की स्ट्रेचिंग इसलिए जरूरी है कि तमाम सिग्नल्स जो है ना हमारे नर्वस सिस्टम के यहीं से जाते हैं, ओके। तो वो सब बैलेंस रहता है। फिर देन अब शोल्डर्स बैक, नाउ दिस। अच्छा, नेक से डबल चिन भी नहीं हो पाएगी ना, लोगों की बड़ा प्रॉब्लम है आजकल डबल चिन का। डबल चिन वैसे ओवरऑल वेट कम होने से कम होती है। अच्छा, वेरी नाइस। लोग जो एक्सरसाइज कराते हैं अलग से डबल चिन कम करने के लिए, उससे इतना फर्क होता नहीं है, वो खुश हो जाते हैं लोग कम कुछ कर रहे हैं। पहले खुश होने दे, खुश होने में खुशियां हैं कहां, और जो मिले वो ले लो, समेट लो, समेट ले खुशियां, छोटी सी जिंदगी है। फिर जो लोग सच जानते हैं बड़ा फिर गुस्सा आता है। अच्छा, इसी तरह से फिर इस लाइक में भी 20-20 टाइम्स आप कर लें, फिर उसके बाद 10 टाइम्स, ओके, 10 टाइम्स फिर इस साइड पे। ये आपका हो गया वार्म अप, ठीक। अब वार्म अप के बाद वर्कआउट हम शुरू करेंगे। करना इस तरह है, 8 राउंड्स होंगे और एक राउंड जो है 20 सेकंड्स का होगा। तो आप लोगों ने स्टॉप वॉच लगा देनी है या किसी को साथ बिठाने का, आप स्टॉप वॉच अपनी ऑन करके रखें। 20 सेकंड एक्सरसाइज करनी है अपनी मैक्सिमम स्पीड में, फिर 10 सेकंड रेस्ट करना है। रेस्ट आप कैसे भी करें, आप लेट जाएं मसला नहीं है, बस जब 10 सेकंड खत्म हो वापस से 20 सेकंड करने, तो बार बार चलता रहेगा 8 टाइम्स, 8 राउंड्स होंगे। हार्ट बीट आपकी फुल हाई हो जाएगी। अगर आप लास्ट राउंड पूरे तरीके से कर लें तो इसका मतलब यह है कि आपने वो पूरे एक्सरसाइज गलत की है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे, इतना इंटेंस होता है। तो पहले एक्सरसाइज हम चलते हैं, पहले एक्सरसाइज होगी माउंटेन क्लाइंबर। करना इस तरह से सिंपल, आपने पुशअप्स की पोजीशन पे आना है और बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। नीज आप लाएंगे ऐसे सामने और वापस रखेंगे यूं, लेकिन अब इस तरह से नहीं करना, अपनी मैक्सिमम स्पीड लगानी है जैसे कि। तो 20 सेकंड करना है, मैं 5 सेकंड्स कर रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे 20 सेकंड हो गए, 10 सेकंड रेस्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स, ये हमारे एब्डोमिनल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, आपकी साइड्स के लिए, आपके स्टमक के लिए। सिंपल आपने इस पोजिशन पे आना है, एंड देन अपने रोटेशन पे आपने फोकस करना है और ब्रीथिंग करते रहना। ऐसे नहीं करना कि ब्रीथिंग आप स्टॉप कर दें। अच्छा, इसे साइड बर्न्स होती है। साइड भी होती है और अपना एब्स भी होते हैं। थर्ड एक्सरसाइज बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी लेग्स की है, देखने में सिंपल है करने में मुश्किल है वैसे। देखने में सिंपल है, मुझे अंदाजा हो रहा है। इस पोजीशन पे आपने आना है, ओके, एंड देन और ये इजी है, आप घर पे भी कर सकते, ये स्विच करना। अगर आप लोग ये ना कर पाए तो इजी वर्जन फिर ये इस तरह से कर लें। अगर ये भी ना कर पाए तो फिर सिंपल ये कर लें। अगर ये भी ना कर पाए तो कुछ तो कर ही लें। ये फोर्थ एक्सरसाइज, फिर सिंपल जंपिंग जैक्स, फिर इस पोजीशन पे होगी। ये फुल बॉडी की कार्डियो के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मुझे हमेशा जंपिंग जैक्स पसंद। फिफ्थ एक्सरसाइज, इस पोजीशन पे आपने आना है, मर्जी आप हाथ यूं भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहें यूं भी रख सकते हैं, ओके। करना ये अपनी मैक्सिमम स्पीड लगानी है, तो 3, 2, 1। अब ये नॉर्मल स्पीड, अब मैक्सिमम पे जाना है। लास्ट एक्सरसाइज रशियन ट्विस्ट, सिंपल ही अपने इस पोजीशन पे फिर रोटेट करना है। फोकस ये करना है, दोनों शोल्डर्स आपके पूरे इस तरफ आए, दोनों शोल्डर्स इस तरफ आए, तो पूरी रोटेशन लानी। जैसे आप करेंगे साइड पे बहुत आपको फील होगा, बर्न होगा। ये अगर इजी लगे, आपने लेग्स हाई करने और फिर कंटिन्यू करना है। तो लास्ट 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। बस सिंपल ये वर्कआउट है, ये 4 से 6 मिनट में होता है। अफेक्ट इसका ये है कि 12 घंटे 18 घंटे तक कंटिन्यूसली कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। और मेरी ब्रीथिंग से आप देख भी सकते हैं कि अभी बहुत थोड़ा सा मैंने और सांस उसी में इतनी सांस फूल रही। तो सिंपल आप ये फॉलो करें, लेकिन हर दिन नहीं करेगा, 3 दिन करेगा वीक में, 1 दिन छोड़कर, ताकि आपकी बॉडी रिकवर भी हो सके। तो दैट्स ऑल।